हेलो एवरीवन वेलकम टू फॉर्मुला फटाफट सीरीज मैं हूं आस्था फ्रॉम लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी और वो भी एकदम फ्री एट लर्नो हब डॉट कॉम फटाफट so, सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास नाइन के चैप्टर मोशन के सारे के सारे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मले साथ में एंड आई होप कि इससे पहले आपने इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो और एनसीआर सॉल्यूशंस सोल्यूशन वाला वीडियो तो अच्छे से देख ही लिया होगा तो चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं फटाफट रिवाइज करते हैं इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मले आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमने तीन फॉर्मले यहाँ पे नोट डाउन किए हैं जो कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी और एसिलेशन से रिलेटेड है तो चलिए एक एक करके इन फॉर्मले को देखते हैं सारे के सारे देखिए सबसे पहला जो फॉर्मुला है हमारे पास में वी इक्वल टू एस अपॉन टी तो सबसे पहले जो ये टर्म्स है ये क्या डिनोट कर रहे हैं वो हमको समझ में आना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर जो ये वी से हम डिनोट कर रहे हैं वो है एवरेज स्पीड ठीक है किसी ऑब्जेक्ट के लिए तो यहां पर हम एवरेज स्पीड के लिए क्या लिख रहे हैं फॉर्मुला लिख रहे हैं एस यहां पर क्या डिनोट कर रहा है तो जितनी भी टोटल डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल की है उसको डिनोट कर रहा है ठीक है साथ ही साथ टी क्या है तो टोटल टाइम टेकन उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में तो ये हो गया टोटल टाइम तो इस तरीके से एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन उसको जितना भी लगा उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में तो ये आपके पास में कौन सा फॉर्मुला हो गया एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मुला हो गया अब सेम टू तो सेम आप यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वी इक्वल टू एस अपॉन टी किसके लिए एवरेज वेलोसिटी के लिए ठीक है तो यहां पर जो वी से हम डिनोट कर रहे हैं वो है एवरेज वेलोसिटी और साथ ही साथ जो एस है एन टी है वो तो सेम टू सेम रहेंगे टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन अब ये किस केस में हम लोग ले रहे हैं तो हम ये ले रहे हैं जब वेरिएबल वेलोसिटी की बात चल रही है और जो मोशन है वो कैसा हो रहा है वो मोशन जो होगा इस केस के लिए स्ट्रेट लाइन मोशन होगा ठीक है तो तभी हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे वहां पर और ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि हमको पता है कि स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता है जितनी भी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की होगी किसी भी ऑब्जेक्ट ने किसी बॉडी ने या किसी पार्टिकल ने वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के ही इक्वल होती है इसीलिए ठीक है तो इसका ये मतलब है अगर एग्जाम में आपसे इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछा जाए या तो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए जहां पर वेरिएबल वेलोसिटी की बात हो रही है वहां पर आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ दी जाए और आपको डिस्टेंस दी गई है टाइम दिया गया है तो आप डायरेक्टली पर करेंगे value, पर पुट पुट करेंगे करेंगे वैल्यू, तो कर देखिए तो अगर आपसे बोला गया कि कोई ऑब्जेक्ट है वो थर्टी किलोमीटर की डिस्टेंस मान लिया यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है थर्टी किलोमीटर की है तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टू आवर्स और इसके आगे की जो थर्टी किलोमीटर की डिस्टेंस है वो उसने ट्रेवल करने में लिए हैं वन आर तो यहां पर आपको क्या कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सो आपके पास में वी इक्वस टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय देन बाय दैट ऑब्जेक्ट यानी कि थर्टी प्लस थर्टी कितना हो गया सिक्सटी किलोमीटर अपॉन टाइम कितना लिया उसने टोटल टू प्लस वन यानी कि थ्री आवर्स तो ये हो गया कुछ इस तरीके से थ्री टू जा सिक्स तो ये हो गया ट्वेंटी किलोमीटर पर आर तो जो बेसिक यूनिट हो जाएगी स्पीड के लिए या फिर वेलोसिटी के लिए अगर हम ऐसा यूनिट के अकॉर्डिंग लें तो मीटर पर सेकंड ही होती है और इसके अलावा किलोमीटर पर आवर में भी अगर हमको किसी क्वेश्चन में दिया गया है हम उसको कन्वर्ट करके लिखना चाहें जैसे भी लिखना चाहें तो हम ये यूनिट्स भी दे सकते हैं ठीक है अब सेकंड फॉर्मूला देखिए वी एवरेज अब यहां पर एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है तो वी एवरेज क्या शो कर रहा है ये शो कर रहा है एवरेज वेलोसिटी को यहां पर दिया गया है वी एवरेज इक्वल्स टू u प्लस v अपॉन टू है ना तो u क्या है यहां पर u है इनिशियल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट के लिए ठीक है और जो v है वो क्या हो जाएगी वो हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट के लिए और इस अगर फॉर्मूले में आप पुट कर देंगे वैल्यूज तो आपके पास में आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी इसका क्या करना है इन दोनों को ऐड करके अपॉन टू कर देना है ठीक है तो देखिए यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट बात ये है ये जानने के लिए कि ये वाला फॉर्मुला आप कहां पर यूज करेंगे एक तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमने ये वाला फॉर्मुला यूज किया ये वाला कहां पे यूज होगा ये वहां पे यूज होगा जहां पर जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही होगी विथ यूनिफॉर्म रेट तो आप लिख सकते हैं वेलोसिटी चेंजेस विथ यूनिफॉर्म ट तो इस कंडीशन में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ठीक है तो आपको किसी ऑब्जेक्ट का जो कि कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है या मोशन में है आपको दे दिया जाए कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है और उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ है आप उन दोनों का सम करेंगे उसको टू से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास में एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी उस ऑब्जेक्ट के लिए तो आप देखिए हमारा जो थर्ड फॉर्मूला है यहां पर वो कौन सा है वो है एसिलेशन चेंज इन वेलोसिटी टाइम तो यहाँ पर आपको दिया गया है a एक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी सारे के सारे u यहां पर भी इनिशियल वेलोसिटी को ही शो कर रहा है v यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी को ही शो कर रहा है और t यहाँ पर टाइम टेकन को ही शो कर रहा है ठीक है और ए तो आपको पता ही है ये क्या है ये हम लोग एसिलरेशन के लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं ठीक है तो एसिलरेशन आपको कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके पास में इनिशियल वेलोसिटी वेलोसिटी फाइनल टाइम टेकन है तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर अगर आपको दिया गया है कोई बॉडी अगर मोशन में है टाइम दिया गया है कि उसने कितने टाइम में कोई डिस्टेंस ट्रेवल की है साथ ही साथ आपको फाइनल वेलोसिटी मान लिया दे दी तो आप इनिशियल वेलोसिटी क्या कर पाएंगे कैलकुलेट कर, कर पाएंगे तो इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लें चलिए लेते हैं मान लिया किसी क्वेश्चन में आपको जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दे दी गई है टू मीटर पर सेकेंड साथ ही साथ जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपको दे दी गई है फाइव मीटर पर सेकेंड टाइम टेकन आपके पास में आपको दे दिया गया है टू सेकेंड तो क्या आप एसिलेशन कैलकुलेट कर पाएंगे यहां पर ए इक्वल टू क्या आपको गिवन है चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वी माइनस यू अपॉन टी तो वी क्या होता है यहां पर वी होता है फाइनल वेलोसिटी सो फाइव माइनस यू क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी यानी कि टू अपॉन टाइम टेकन यानी कि टू तो इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एक्सिलेशन की जो यूनिट होती है और आपके पास में आ जाएगा फाइव माइनस टू कितना हो गया थ्री अपॉन टू इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं वन पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर तो यहां पर हमने तीन फॉर्मले एवरेज स्पीड के लिए एवरेज वेलोसिटी के लिए और एक्सिलेशन के लिए अच्छे से डिस्कस कर लिए रिवाइज कर लिए फटाफट से अब चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मले क्या क्या है तो अब हम जल्दी से समझेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स और कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स को जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स को और उनसे हम उनकी हेल्प से हम क्या क्या और चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं हम ये भी साथ ही साथ डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम बात करने वाले हैं वेन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड या फिर जब

सकते हैं वो हमारी मर्जी है तो हमने यहां पर मान लिया दो पॉइंट ले लिए हैं ए पॉइंट एंड बी पॉइंट ठीक है हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं वैसे ही y एक्सिस के पैलल उन्हीं दो पॉइंट से करना है ये एक लाइन ड्रॉ करी दूसरी लाइन ड्रॉ करी ठीक है अब यहां पर हमने ये क्योंकि डिस्टेंस वाला साइड यहां पर दिखाई दे रहा है हमको है ना कौन से एक्सिस एक्सिस में में y में. तो इसको हमने मान लिया s2 इसको हमने मान लिया s1 ठीक है ऐसे ही यहां पर हमको टाइम नजर आ रहा है इस वाले एक्सिस में यानी कि एक्स एक्सिस में हमने इसको मान लिया टी वन इसको मान लिया टी टू तो अगर हमको यहां पर जो एवरेज स्पीड है उस ऑब्जेक्ट की वो कैलकुलेट करनी है तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से ये हो जाएगा एस टू माइनस एस वन अपॉन टी टू माइनस टी वन ठीक है तो इस फॉर्मूले के थ्रू अगर कोई ग्राफ आप को दिया गया है वहां पर आपको स्पीड बतानी है उस पार्टिकल के लिए एवरेज स्पीड या फिर उस ऑब्जेक्ट के लिए या फिर उस बॉडी के लिए जो मोशन में है जिसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो आप बता सकते हैं इस तरीके से वैल्यूज ग्राफ के थ्रू देख के आप पुट कर सकते हैं एस कितने किलोमीटर पे है वहां पर पुट कर दीजिए एस कितने किलोमीटर पे शो हो रहा है वहां पर पुट कर दीजिए टी की वैल्यू ग्राफ में देखकर यहां पर से पुट कर लीजिए और टी की वैल्यू यहां से पुट कर लीजिए जो भी ग्राफ आपके पास में होगा उसके पास में जो भी वैल्यू होगी वो आप यहाँ पर पुट कर सकते सकते हैं और एवरेज स्पीड क्या कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा ग्राफ देखिए दूसरा ग्राफ है जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में यानी कि जो टाइम इंटरवल्स हैं, वो तो रेगुलर हैं, वो तो सेम टू सेम ही है, है ना? लेकिन जो डिस्टेंसेज है वो सेम टाइम इंटरवल्स में रेगुलर टाइम इंटरवल्स में अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है मान लिया उसने दो घंटे में थर्टी किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की फिर नेक्स्ट जो दो घंटे हैं उसमें उसने सिक्सटी किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर ली तो इक्वल डिस्टेंसेज नहीं है इक्वल टाइम इंटरवल्स में तो तब ये जो इसकी स्पीड होगी वो क्या होगी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी ठीक है और तब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे तो इससे पहले जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया v इक्वल टू एस अपॉन टी वाला है ना तब एवरेज स्पीड ऐसे ही कैलकुलेट होगी यानी कि उसने जितनी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की होगी उस ऑब्जेक्ट ने उसको किससे डिवाइड कर देंगे जितना भी टोटल उसने टाइम लिया होगा उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसके थ्रू और ये वाला जो ग्राफ आता है जहां पर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात चल रही है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात चल रही है तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता है जबकि यूनिफॉर्म स्पीड के केस के में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है तो चलिए आप देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स तो नेक्स्ट जो ग्राफ हम फटाफट से डिस्कस करने वाले हैं वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ जिसमें हम तीन ग्राफ्स अभी साथ में डिस्कस करने वाले हैं देखने वाले हैं समझने वाले हैं तो देखिए पहला ग्राफ इसमें है फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है यानी कि जो उसकी वेलॉसिटी है अगर वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो या फिर जो उसकी स्पीड है वो क्या है यूनिफॉर्म है यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल्स में वो इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं तो देखिये यहां पर इस केस में आपको दिया गया है यहां पर ये यह फोर्ट किलोमीटर पर आर की जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसके साथ में क्या कर रहा है ट्रेवल कर रहा है और इक्वल टाइम इंटरवल्स या फिर रेगुलर जो टाइम इंटरवल्स है वो हमको दिए गए हैं ठीक है तो ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा इस ग्राफ की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं तो इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है उसको और वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं तो दो पॉइंट्स के बीच में कुछ इस तरीके से हमको जो एक रीजन है वो बनाना है और उस शेडेड रीजन का हमको क्या ले लेना है एरिया ले लेना है ये शेडेड रीजन कौन सी शेप में है तो ये है रेक्टेंगुलर शेप में तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वही जितनी भी उस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल की होगी वो हो जाएगा तो रेक्टेंगे

ठीक है तो यहां पर ए बी की वैल्यू तो आप लोग पुट कर सकते हैं क्या तो ये आप लोग पुट कर सकते हैं अगर हम पॉइंट ए को मान लेते हैं यहाँ पर टी वन और इसको मान लेते हैं टी टू तो आपने यहां पर A, की जगह पर लिख लिया टी टू माइनस टी वन अब वैल्यूज होंगी आपके ग्राफ में आपको जो भी रेगुलर टाइम इंटरवल्स दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग टी टू और टी वन की वैल्यू पुट कर लेंगे इन टू बी डी तो आपको पता ही है कि यहां पर जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या फिर यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी बात चल रही है जो कि इस केस में कितना है फोर्टी किलोमीटर पर आवर है तो यहां पर आप फोर्टी से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्योंकि हम डिस्टेंस ट्रेवल जितने भी की उस ऑब्जेक्ट ने वो कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा तो वो आ जाएगा यहाँ पर इस केस में क्या है किलोमीटर से तो यहाँ पर वो किलोमीटर में आ जाएगा ठीक है तो ये तो हो गया हमारा पहला वाला ग्राफ सेकंड ग्राफ देखिए एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एसिलेशन तो जब भी कोई जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म एसिलोरेशन के साथ में क्या कर रहा होता है मूव कर रहा होता है यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल्स में जो वेलोसिटी है वो क्या रहने वाली है सेम रहने वाली है तो तब जो उसका ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है वो बनता है स्ट्रेट लाइन ठीक है स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पर प्लॉट होता है और हमको यहाँ पर दो केसेस देखने को मिलते हैं जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में मोशन कर रहा है तो तब अगर हमको उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तब हम किसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं केवल और केवल ये जो शेडेड रीजन हमको दिख रहा है रेक्टेंगुलर रीजन हमको दिख रहा है उसके थ्रू जो कि हमने इस ग्राफ के थ्रू भी बात की थी ठीक है और अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है विदाउट मीन्स अगर उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है भी और हम लोग कैलकुलेट कर, लो कर सकते हैं यहाँ पर भी कि उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है ठीक है तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं तो हम लिख सकते हैं एस इक्वल टू वन बाई टू इन टू वन बाय टू वाला मैं फॉर्मला किसके लिए ले रही हूँ इस ट्राइंगल के लिए ले रही हूँ क्या होता है वन बाय टू बेस इंटू हाइट है ना तो यहां पर लिख देते हैं ये हो गया वन बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट फॉर ट्राइंगल और ये वाला किसके लिए हो जाएगा तो इसके लिए यहां पर से देख लीजिए ये हो गया बी सी इन सी डी इस तरीके से ठीक है तो जल्दी से वैल्यू स्पोर्ट कर लीजिए अब यहां पर बेस हम लोग क्या लेंगे ए डी और ए डी क्या है टी टू माइनस टी वन या फिर मैं यहां पर डायरेक्टली ए डी लिख लेती हूं ठीक है और आप इसको अपनी नोटबुक में फटाफट से कर सकते हैं जो हाइट है यहां पर वो क्या है डी ई e, जो कि यहां से कैलकुलेट होगी इसमें से इसको आप लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तब तो ये हो गया डी ई प्लस क्या एड करना है इसमें बाकी का जो बचा हुआ शेडेड रीजन है उसका एरिया यानी कि रेक्टेंगल का एरिया तो ये हो जाएगा बी सी यानी टी टू माइनस टी वन और एक ये वाला सी डी जो कैलकुलेट कर सकते हैं इन दो पॉइंट्स का डिफरेंस लेके तो यहां पर भी मैं डायरेक्टली लिख देती हूं बी सी इन टू सी डी तो ये जो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग वो किसमें आ जाएगी डिस्टेंस जितनी भी ट्रेवल की है उस ऑब्जेक्ट ने वो आ जाएगी किलोमीटर में ठीक है तो इस तरीके से हमने देख लिया कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है विथ यूनिफॉर्म एक्सिलेशन तो वहां पर ग्राफ कैसा बनता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है ठीक है अब देखिए थर्ड वाला जो इसमें ग्राफ आपको दिया गया है इसमें यहाँ पर हम लोग जो y एक्सिस है उसको वेलोसिटी के थ्रू शो कर रहे हैं ठीक है थीके? और ये है टाइम जो कि सेकंड्स में ले रहे हैं ये हो गया यहां पर भी वेलोसिटी और ये हो गया टाइम तो जो ये थर्ड वाला ग्राफ है वो बन किसके लिए रहा है फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन तो जब बात आती है नॉन यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन की तो ग्राफ कैसा भी बन सकता है उसकी कोई भी शेप मतलब हो सकती है तो आप लोग यहाँ पर पहले तो ये लिख लीजिए कि इसकी कोई भी शेप हो सकती है मैंने लिख दिया है एनी शेप तो आप जो पहले वाला ग्राफ यहाँ पर देख पा रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि टाइम के साथ में वेलोसिटी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है उस ऑब्जेक्ट की तो इस टाइप का ग्राफ बन रहा है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टाइम के साथ में वेलोसिटी में क्या हो रहे हैं वेरिएशन हो रहे हैं या फिर चेंजेस हो रहे हैं तो कुछ इस टाइप का टेढ़ा मेढ़ा सा आपको ग्राफ बना हुआ नजर आ रहा है तो जब भी नॉन यूनिफॉर्मली एसोलेटेड मोशन की बात होगी तो ग्राफ किसी भी शेप का हो सकता है जब भी यूनिफॉर्मली एसोलेटेड मोशन की बात होगी तो ग्राफ कैसा बनेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा ठीक है तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है सो so, अब जो फॉर्मुले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मुले जिसमें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को और साथ ही साथ जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उससे रिलेटेड फॉर्मुले डिस्कस करेंगे तो हमने यहां पर चार फॉर्मले लिखे हुए हैं जिसमें से जो पहला फॉर्मूला है वी इक्वल टू यू प्लस Second, जो है फिर माइनस यू स्क्र इक्वल टू टू ए एस ये तीनों के तीनों ही फॉर्मूले किससे रिलेटेड है इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड है और फिर लास्ट में हम लोग फोर्थ फॉर्मूले में क्या डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो फॉर्मूला है उसको ठीक है तो एक एक करके डिस्कस करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनसे जो एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आते हैं इसलिए आपको इनको ध्यान से समझना है ठीक है तो देखिए पहला फॉर्मुला है v इक्वल्स टू यू प्लस एटी यहाँ पर टर्म्स हमको पता है v क्या है यहाँ पर तो ये है फाइनल जो वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ठीक है साथ ही साथ u क्या यहां पर शो करता है तो ये शो करता है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को ठीक है तो ए से हम लोग क्या डिनोट करते हैं तो ए से हम लोग डिनोट करते हैं एसिलरेशन को और वैसे ही टी से हम लोग क्या डिनोट करते हैं जितना भी उसने ऑब्जेक्ट ने टाइम लिया है उसको यानी कि टी ठीक है तो फॉर्मुला क्या हो गया v इक्वल टू यू प्लस एटी आप एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दी फाइनल वेलोसिटी दे दी आपको टाइम दे दिया आपको एसोलेशन कैलकुलेट करना है तो आप कर सकते हैं सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिए यहां पर यहां पर यहां पर और ए की वैल्यू आ जाएगी या फिर आपको ये भी बोला जा सकता है कि आप फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करिए और आपको इन तीनों ही जो टर्म्स है उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दी ठीक है कोई सा किसी भी टर्म की अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप कर सकते हैं अगर बाकी के जो तीन टर्म्स हैं उनके लिए न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन हो तो ठीक है तो जल्दी से इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आप कॉपी में सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं मान लिया किसी क्वेश्चन में अगर आपको फाइनल वेलोसिटी दे दी गई है थ्री मीटर पर सेकेंड और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दे दी गई है टू मीटर पर सेकेंड प्लस जो एक्सलेशन है वो दे दिया गया है वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो आप इजीली कर सकते हैं ये क्या हो जाएगा थ्री माइनस टू हो गया वन ये हो गया वन अपॉन वन इक्वल टू टी तो यहाँ पर से जो टी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई वन सेकेंड आ गई ठीक है तो इतने इजी से सिंपल से ही होते हैं ये फॉर्मूले बस वैल्यूज पुट करनी होती है आप देखिए नेक्स्ट फॉर्मुला क्या है इसके लिए नेक्स्ट जो 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 इक्वेशन ऑफ मोशन है तो यू टी प्लस हाफ ए टी तो एस है 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 तो इसमें वो वो क्या डिनोट कर रहा है? वो जितनी जो डिस्टेंस है, जो कि ऑब्जेक्ट उस मोशन के दौरान ट्रेवल कर रहा है वो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं यू आपको पता ही है क्या होता है तो ये होती है हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट के लिए या फिर किसी बॉडी के लिए जो कि मोशन में है टी आपको पता ही है क्या होता है तो ये हो जाएगा टाइम जितना भी उस ऑब्जेक्ट ने लिया है मोशन में ठीक है और ए आपको पता ही है कि क्या होता है एसिलरेशन होता है ठीक है और यहाँ पर भी टी स्क्वेर है तो टी तो आपको पता ही है टाइम होता है तो यहाँ पर अगर आपके पास में इनिशियल वेलोसिटी है टाइम है एसिलरेशन है और आपको डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करनी है तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज पुट करके ठीक है अब इसके लिए भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट से देखिए एस इक्वल टू हो जाएगा अगर किसी ऑब्जेक्ट ने रेस्ट की पोजिशन से चलना स्टार्ट किया तो रेस्ट का क्या मतलब है कि वो बिल्कुल रुका हुआ है उसके बाद चलना शुरू हो रहा है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी टाइम उसने लिया है मान लिया दो सेकंड का तो टू से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस हाफ मान लिया उसके पास में इन टू टाइम उसने कितना लिया था तो टू सेकेंड का लिया था तो टू का स्क्वायर यहां पर कर देंगे तो यहां से एस इक्वल टू आपके पास में क्या आ जाएगा जीरो प्लस टू वन जा टू हो गया टू टू जा फोर हो गया तो आपके पास में आ गया फोर मीटर्स तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं या फिर कहीं पर आपको अगर डिस्टेंस दे दी है इनिशियल वेलोसिटी दे दी है एसोलेशन दे दिया आपसे बोला गया टाइम बताइए तो तभी भी आप इस फॉर्मूले का यूज कर पाएंगे ठीक है आप देखिए थर्ड जो इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं यहां पर है आपके पास में वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वस टू टू ए एस तो टर्म्स तो आप जानते ही हैं वी यहां पर क्या हो गया तो ये हो गया आपके पास स् में फाइनल वेलोसिटी ठीक है वैसे ही जो u हो गया यहां पर वो क्या हो गया तो ये हो गई आपके पास में इनिशियल वेलोसिटी a आपके पास में क्या हो गया तो a हो जाता है आपके पास में एसिलरेशन ठीक है और s यहां पर आपके पास में क्या हो जाएगा तो s आपके पास में आ जाएगा जितनी भी डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट ने जो ट्रेवल की है वो ठीक है तो इस तरीके से अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास में इनिशियल वेलोसिटी वेलोसिटी फाइनल इनिशियलेशन की वैल्यू है आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करनी है तो आप इजीली कर सकते हैं यहां पर वैल्यूज पुट कर देंगे आपको एस की वैल्यू मिल जाएगी या फिर कुछ और भी आपको इसमें से किसी ना किसी टर्म की वैल्यू दे दी गई हो और आपको किसी और टर्म की वैल्यू बतानी हो यानी कि तीन किन्हीं की भी वैल्यूज आपके पास में हो तीन क्वांटिटीज की और आपको फोर्थ के लिए आपको बताना हो तो आप बता सकते हैं मान लिया जैसे कि अगर यहां पर एसिलेशन आपको पता है डिस्टेंस आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है तो इस वाले के लिए यानी कि फाइनल वेलोसिटी की आप वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे ठीक है आप देखिए जो लास्ट है हमारे पास में फॉर्मूला जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है जो कि किससे रिलेटेड है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है वहां पर ऑब्जेक्ट की स्पीड आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं तो जो यहाँ पर वी इक्वल टू टू पाई आर अपॉन टी है ना तो v यहां पर स्पीड बता रहा है उस ऑब्जेक्ट की जो कि सर्क्युलर पाथ में इस तरीके से किसी सर्क्युलर पाथ में क्या कर रहा है मोशन कर रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड ठीक है तो उसका ही मोशन क्या कहलाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है तो उसकी स्पीड हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे इक्वल टू टू पाई आर अपॉन टी के थ्रू यहां पर जो टू पाई आर हम लोग डिनोट कर रहे हैं वो क्या है वो है सर्कम ऑफ दिस सर्किल ठीक है जिस सर्कुलर पाथ पर वो क्या कर रहा है ट्रेवल कर रहा है तो हम लिख सकते हैं सर्क्यू सर्कम ऑफ सर्किल यहां पर ठीक है और यहां पर जो आर है वो क्या डिनोट करेगी तो आर डिनोट करेगी रेडियस ऑफ द सर्किल ठीक है तो और t क्या है जितना भी उसने टाइम लिया है इस पूरे के पूरे मोशन में या फिर इस पूरे के पूरे जितना भी वो चल पाया है जितनी भी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर पाया है उसमें ठीक है तो आप उस जो ऑब्जेक्ट है या फिर वो जो बॉडी है या फिर जो पार्टिकल है उसकी स्पीड कैलकुलेट कर पाएंगे v इक्वल टू के थ्रू तो इसके लिए एक एग्जाम्पल नहीं जल्दी से तो देखिए अगर रेडियस हमको यहां पर दे दी गई है किसी सर्कुलर पाथ के लिए टू मीटर्स और उसने इस पूरे के पूरे पाथ को कवर करने में अगर मान लिया टाइम लिया है टू है तो यहां पर अगर हमको इसके लिए स्पीड कैलकुलेट करनी हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं v पाई की जगह पर अग, 22 7, या फिर कुछ भी ले सकते हैं तो अभी हम लोग ले लेते हैं थ्री पॉइंट वन फोर इन टू रेडियस कितनी है तो यह है टू मीटर अपॉन टाइम कितना है तो यह है टू सेकेंड टू से टू कैंसिल हो गया तो यहां पर वी इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा टू फोर एट टू 2, टू थ्री 6 पॉइंट कि 6.28 मीटर पर सेकेंड तो ये हो गया इसके लिए एग्जाम्पल so, कि आज इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मले हमने साथ में डिस्कस किए वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे आपने जल्दी जल्दी इन फॉर्मले को रिवाइज किया होगा So, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट डिस्कशन में जिसमें हम डिस्कस करेंगे और रिवाइज करेंगे फटाफट से कुछ और अपने इंपॉर्टेंट फॉर्मले तब तक आप पढ़ाई करते रहिए खूब सारा रिवीजन करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि लर्नो हा फ्री है पर बेस्ट है